Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from Vistas book, chapter 6, on the face of it, second part. So I will be explaining in Hindi as well as in English. So हमने पिछले पिछले भाग में यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ तक अध्ययन किए थे हम लोग. I have a hive of bees behind these trees over there. तो यहाँ तक हमने पिछले बार पढ़ लिया था इस परिच्छेद तक, तो हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो मिस्टर लायन बोलता है I have a hive of bees behind those trees over there. तो बोलता है कि मेरे पास मधुमक्खी का छत्ता है. Hive of bees मतलब मधुमक्खी का छत्ता, इसको कहा जाता है मधुमक्खी का छत्ता. Behind those trees over there, behind those trees over there मतलब वहां पर उस पेड़ के पीछे में. Some hear bees and they say, कुछ लोग ये मधुमक्खी का आवाज को सुनते हैं और उन लोग कहते हैं bees buzz. ये जो bees जो हम लोग क्या करते हैं, भिनभिनाते हैं. भिनभिनाना का अर्थ होता है भिनभिनाते हैं, है ना. buzz का अर्थ होता है भिनभिनाना. But when you listen to bees, लेकिन जब आप मधुमक्खी को लंबे समय तक सुनते हो, for a long while मतलब लंबे समय तक जब आप मधुमक्खी को सुनते हैं, they hum and hum means sing. तो वे गाना गाते हैं और हम का अर्थ होता है गाना. I hear them singing और मैं उनको गाना गाते हुए सुनता हूँ. मैं बीस मेरे मधुमक्खी, तो ये लैम कहता है. और ये नजरिया पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति का जो नजरिया है, उसका देखने का स्वरूप कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि हमारा परसेप्शन किस तरह का है, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि लोग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं. जैसे कि यहाँ पर मिस्टर लैम जो है वो उनके भिनभिनाना को भी वो एक गाना के रूप में देख सकता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए जो मधुमक्खी होता है वो क्या होता है, भिनभिनाता है. तो इसमें हम एक चीज स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि म्यूजिक एंड नॉइज को एग्जिस्ट मतलब संगीत और जो शोरगुल है मतलब एक साथ हुए मतलब अस्तित्व में है, क्योंकि किस लोगों के लिए वही शोर जो है उनके लिए म्यूजिक के समान लगता है, उनके एक संगीत संगीत उसमें उन लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वही एक साधारण सा क्या होता है, शोरगुल होता है, क्योंकि उस वो देखने का हर व्यक्ति का देखने का जो नजरिया है वह अलग अलग होता है. तो इसी बात को मिस्टर लैम इन पंक्तियों में इस परिच्छेद में बताते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे डेरी. But I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. तो यहाँ पर डेरी जो है इन सब बातों को मतलब सुन करके बोलते हैं but I like it here. मैं लेकिन यहाँ पर पसंद है, ये जगह मुझको पसंद है. I came in because I liked it. और मैं अंदर इसीलिए आया क्योंकि मैं इसको पसंद किया. When I looked over the wall, जब मैं घेरा से बाहर से देखा तो मेरे को ये जगह पसंद आया. तो हम देखते हैं डेरी के मन में कुछ मतलब उस लोगों से दूर भागना चाहता था, अपने आप को छिपाना चाहता था, इसीलिए वो इस बगान में आ गया था. लेकिन अभी कुछ उसके जीवन में कुछ बदलाव हम लोग देखते हैं, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि उसका नकारात्मक भावना था उसके मन में, लेकिन अभी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग इस पंक्तियों से हमको पता चलता है. कुछ कुछ वो मतलब चीजों को पहचानना चाह रहा है, कुछ कुछ चीजों को स्वीकार करता है कि उसकी अहमियत क्या है. और यहाँ पर पहली बार हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वो सोच रहा है. मिस्टर लैम, इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन. मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तुम मेरे को देखे होते तो तुम यहाँ अंदर नहीं आते, बोलता है. तो डेरी बोलता है नो, तो बोलता है हाँ, अगर मैं आपको देखा होता तो मैं आपके यहाँ अंदर नहीं आता, बोलता है. मिस्टर लैम नो, तो बोलता है हाँ तुम नहीं आते. डेरी, आई हैड इट वुड हैव बीन trespassing. तो बोलता है कि ये तो हमारे लिए क्या होता है, trespassing. trespassing का अर्थ होता है पाप होता है, अपराध होता है ना. trespassing पाप होता है, अपराध होता, क्योंकि हम बिना किसी के परमिशन के किसी के यहाँ हम चले, किसी के बगीचे में हम घुस जाते हैं, वो क्या है, पाप होता है, और इसलिए मैं यहाँ अंदर नहीं आता, बोलता है मिस्टर लैम. आह दैट्स नॉट वाई. तो बोलता है नहीं वो बात नहीं है, बोलता है मिस्टर लैम कि तुम तो कुछ ऐसे ही बहाना बना रहे हो, वो बात नहीं है. I don't like being near people. तो डेरी जवाब देता है कि मैं लोगों के नजदीक में रहना पसंद नहीं है. When they stay, जब वे मेरे को घूरते हैं. When I see them being afraid of me, और जब मैं उनको देखता हूँ कि वे मुझसे कैसे क्या मुझसे डरे हुए हैं, मुझसे दूर भागते हैं, तो मैं उसके नजदीक में आना नहीं चाहता हूँ. मिस्टर लैम, you could lock yourself up in a room.
मिस्टर लैम बोलते हैं कि ऐसी बात है, तुम अपने आप को क्या कर लो, लॉक कर दो, अपने आप को तुम लॉक कर दो कमरे में बंद कर दो, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था जो कि अपने आप को क्या कर लेता था, लॉक कर लेता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो वहां कुछ घटना बता रहा है मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, तो ऐसे कमरे में तुम अपने आप को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, एंड नेवर लीव इट, और इस कमरे को कभी मत छोड़ना। देर वॉज अ मैन हु डिड दैट, और वहां पर एक आदमी था जो कि ऐसा ही किया था। ही वॉज अफ्रेड, तो उसको बहुत डर लगता था, यू सी, तुम देखते हो, ऑफ एवरीथिंग, सब चीज से उसको डर लगता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, सभी चीजों से उसको डर लगता था। अ बस माइट रन हिम ओवर, कि कोई बस उसके ऊपर से निकल जाए, या तो कोई बस उसको कुचल ना दे, उसका डर था। और अ मैन माइट ब्रीद डेडली जर्म्स इन टू हिम, या तो ऐसा व्यक्ति जो कि उस घातक बैक्टीरिया को, उस घातक जो विषाणु है, उसको खास करके उसके ऊपर क्या कर देता, छोड़ देता। जैसे कि अभी मतलब जो कोरोना संकट काल है, और व्यक्ति कोई खांसता है तो उसमें का जो जर्म होता है दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है, तो ऐसा ही मतलब वो भी इस तरह के चीजों से वो डरता था। और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, और इस चीज से भी कहीं कोई गधा उसको लात ना मार दे और उसकी मृत्यु हो जाए। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या तो बिजली उसके ऊपर गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और उसको इस बात का भी डर था कि अगर कोई वह किसी लड़की से प्यार करता है और वो लड़की उसको बाद में छोड़ देगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल, एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, तो उसको इसका भी डर था कि कहीं बाहर निकले और केले के छिलके में उसका पैर पड़ जाएगा और फिसलने के बाद वह गिर जाएगा और लोग उसके ऊपर हंसने लगेंगे। सो ही वेंट इन टू दिस रूम, और इस तरह से वो अपने कमरे में चला गया, वेंट इन टू दिस रूम, अपने कमरे में चला गया, एंड लॉक्ड द डोर, और दरवाजा को ताला लगा दिया, बंद कर दिया, एंड गोट इन टू हिस बेड, और अपने बिस्तर पर लेट गया, एंड स्टेड देयर, और वहीं रुका रहा। फेरी फॉर एवर, हमेशा के लिए, मिस्टर लायन, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। डेरी, देन वॉट, तब क्या हुआ। मिस्टर लायन, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिस हेड एंड किल्ड हिम, बोलता है मिस्टर लैम कि एक तस्वीर जो है दीवार में, जो तस्वीर लटक रहा था वो उसके सिर पर गिर जाता है और उसको मार डालता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डेरी लाफ्स अलोट, और डेरी भी बहुत जोर से वो हंसने लगता है। मिस्टर लैम, यू सी, तो मिस्टर लैम बताता है, तुमको समझ में आया ना, बोलता है, तुमको समझ में आया ना, कहने का अर्थ है कि मतलब हम प्रत्येक का एक किस्मत है, हम प्रत्येक का एक गंतव्य स्थान है ना, प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, डेस्टिनी है, हम प्रत्येक इस पृथ्वी से एक दिन मतलब एक जगह पर तो जाना ही है। तो व्यक्ति कितना भी मतलब कोशिश कर ले अपनी तरफ से, है ना, उसके मन में डर है, भय है, और वो किसी भी तरह से बचने का प्रयास करता है। जैसे कि इस परिच्छेद में हमने देखा, वो कई तरह से बचने का उपाय किया, वो घर में भी बंद हो गया, उसके बावजूद भी उसकी उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब हम नहीं बदल सकते, हमारे जो हमारी किस्मत में है वो तो हो करके रहेगा। हम जन्म लिए हैं तो एक दिन हम निश्चित ही मरेंगे, हम किसी भी तरह से हम उसको नहीं टाल सकते हैं। तो इसी तरह से इस शब्द से यूसी मतलब ये जो मिस्टर लैम है वो यही बताना चाह रहा है डेरी को कि तुम्हारे अंदर जो डर है, जो मतलब घृणा है, तुम उन सब से बाहर आओ, सब चीज को तुम निकाल लो, तुम्हारे अंदर में जो भी घृणा है उन सब से तुम बाहर आ जाओ, और तुम और एक अलग तरीके से तुमको भी दुनिया दिखने लगेगी। इस तरह की बातें छोटी से शब्द से वो कहना चाहता है, मतलब सीधे सीधे वो डेरी पर डेरी के लिए बोल रहा है कि तुम में भी इस तरह का डर है, तुम लोगों से दूर भागना चाहते हो, और बगान में भी तुम उनके डर से ही एकांत जगह में आने का प्रयास करते हो, और तुम तो एक बहाना करते हो कि तुम्हारा जला हुआ चेहरा देख करके लोग दूर भागते हो, तो एक बहाना है, लेकिन तुम इस सब से निकल करके बाहर आओ, और तुम्हारे मन में जो कि घृणा है दूसरों के प्रति उसको भी निकाल लो, तो तुमको दुनिया बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ऐसा उसको तब समझाता है। तो यहाँ डेरी बोलता है, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, तो बोलता है लेकिन तुम कितने बड़ी अजीब अजीब बातें बोलते हो, बहुत विचित्र बातें बोलते हो। मतलब डेरी को समझ में आ रहा है लेकिन वो उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर जो कि घृणा का भाव है, जो डर है, उसको निकालने में वो असमर्थ है, और इसलिए बोलता है तुम बड़ा विचित्र की बातें बोलते हो। मिस्टर लैम, पिक्यूलियर टू सम, तो मिस्टर लैम बोलता है कुछ लोगों के लिए ये अजीब हो सकता है। What do you do all day? All day. यहाँ पर डेरी जो है उसको पूछता है कि दिन भर आप क्या करते हो। मिस्टर लैम, सिट इन द सन, तो बोलता है मैं कुछ समय के लिए धूप में बैठता हूँ, धूप तपाता हूँ।
रीड बुक्स, कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ। हाँ, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस। हाँ, आपने सोचा होगा कि ये जो घर है ये पूरा खाली है, बट इनसाइड इट्स फुल, लेकिन अंदर से ये पूरा भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, पुस्तकों से और दूसरी चीजों से ये चीज भरा हुआ है। फुल मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है, डेरी। बट देर अरेंट एनी कर्टन्स एट द विंडोज। तो डेरी बोलता है कि वहां पर तो कुछ भी मतलब पर्दा भी नहीं है खिड़कियों पर। कर्टन्स, कर्टन्स का अर्थ होता है पर्दा। तो वहां पर तो अभी तक पर्दा भी नहीं है, खिड़कियों में कोई पर्दा भी नहीं लगा हुआ है, बोलता है मिस्टर लैम। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। मिस्टर लैम बोलता है कि मेरे को पर्दे का शौकीन नहीं है, किसी भी चीज को बंद अंदर से बंद कर लेना, एंड शटिंग थिंग्स इन, और चीजों को अंदर से बंद कर लेना और चीजों को बाहर से बंद कर लेना, ये मेरा शौक नहीं है, बोलता है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस। बोलता है हमको प्रकाश भी पसंद है और साथ ही अंधेरा भी पसंद है। एंड द विंडोज ओपन, और मैं खिड़की को खुले रखना पसंद करता हूँ। टू हियर द विंड, ताकि मैं जो हवा की सरसराहट है, उसका जो आवाज है, मैं उसको सुन सकूं। तो यहाँ पर देखते हैं मिस्टर लैम किस तरह से इस पंखियों के माध्यम से वो है जो है प्रशंसा करता है। अप्रिसिएटिंग एवरीथिंग इन लाइफ, मतलब जीवन में सभी चीजों को क्या करता है, अप्रिसिएट करता है, प्रशंसा करता है, चाहे वो प्रकाश हो चाहे वो अंधेरा हो, मतलब सब चीज, चाहे वो हम अच्छे दिनों का हमको आभास होता है, जब तक हम बुरी चीजों से हमारा सामना नहीं होता है, तब तक हमको अच्छे दिनों का आभास ही नहीं होता है। मतलब खट्टी चीजें, मीठी चीजें, सबको हमको क्या करना है, अप्रिसिएट करना है, सबका हमको सामना करके इस पृथ्वी पर हमको जीना है। तो इस पृथ्वी पर जो भी मतलब चीजें हैं, सबका अपना अपना महत्व है, और हम प्रकाश का हम आभास ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमने अंधेरा को नहीं देखा है। तो बोलता है मैं सब चीज को मतलब मैं ओम पसंद करता हूँ, हमको सब चीज को, सब चीज को अप्रिसिएट करता है, प्रशंसा करता है। डेरी, यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो बोलता है डेरी कि हाँ मुझको पसंद है, व्हेन इट्स रेनिंग, कब पसंद है, जब बारिश हो रहा होता है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, और जब छज्जे से पानी गिरता है तो वो चीजें हमको पसंद है, बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं डेरी जो है फिर से वो मतलब थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कुछ कुछ अच्छी चीजों को, उसका जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है और स्वीकार करता है, उनको कुछ चीजें पसंद भी आ रहा है। इससे पहले तो बोल रहा था कि हमको कुछ भी चीजें पसंद नहीं है, लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है, इस तरह की बातें वो करता था, लेकिन इस पंक्ति से हमको स्पष्ट होता है वो जो है कुछ कुछ चीजों को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टूगेदर, यू डू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। मिस्टर लैम बोलते हैं यू आर नॉट लॉस्ट, तुम खोए हुए नहीं हो, मैं सोचता हूँ तुम पूरी तरह से तो खोए नहीं हो। यू डू हियर थिंग्स, आपको कुछ कुछ चीजें जो है सुनाई देती हैं, यू लिसन, और तुम उसको सुनते हो, ऐसा बोल रहा है। तुम पूरी तरह से खोए नहीं हो तुम्हारे चेहरे को लेकर के, क्योंकि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और उसी में केवल तुम मतलब दिन रात सोचते नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें तुमको सुनाई देती ही भी हैं और तुम उसको सुनते भी हो, बोल रहा है कौन, मिस्टर लैम। तो डेरी आगे जवाब देते हैं, यहाँ पर एक घटना को बता रहा है ना, एक घटना को बता रहा है डेरी। दे टॉक अबाउट मी, तो बोल रहा है वे मेरे बात, क्योंकि यहाँ लिसन तुम सुनते हो बोला ना मिस्टर लैम, इसलिए बोल रहा है कि दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, नीचे, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहां नहीं होता हूँ। व्हाट विल ही एवर डू, कि वह कैसे करेगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम, उसका क्या होने वाला है। व्हेन वी हैव गोन, जब हम लोग चले जाएंगे, हम लोग गुजर जाएंगे इस पृथ्वी पर, तो उसका ये डेरी का क्या होने वाला है। हाउएवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कि इस पृथ्वी पर वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। लुकिंग लाइक दैट, उसको इस तरह से देख करके, विथ दैट ऑन हिज फेस, और वो भी उसका चेहरा एक साइड का जला हुआ, दैट्स व्हाट दे से। तो होता इस तरह की उसके कौन कौन बातें करते हैं, उनके माता पिता बात करते हैं। यहाँ देखो किसी के लिए भी जो बच्चा अपने माता पिता को इस तरह की बात करते चुपके से सुन लेता है, कितना पीड़ा होता होगा उसको, कितना दुख होता होगा। ये जायज है कि उसके माता पिता उसके उसके लिए चिंतित हैं, लेकिन कई बार उतना उन लोग उतना अधिक ओवर प्रोटेक्टिवनेस हो जाते हैं, बहुत अधिक मतलब उसकी रक्षा करने की सोचते हैं और इस तरह से बातें करते हैं जो बच्चा मतलब सुन लेता है, तो वह किसी ना किसी तरह से उसको और अधिक गहरा चोट लगता है और वो समाज से मतलब कट कट के रहने लगता है, अपने बारे में, अपने जले हुए चेहरे
चेहरे के बारे में या तो उसके ऊपर किसी भी तरह का जो विकलांगता है उसके बारे में वो सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं, मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट टू आर्म्स, टू लेग्स एंड आईज एंड ईयर्स, यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन। तो यहाँ मिस्टर लैम उसको फिर से सलाह दे रहे हैं, लॉर्ड बॉय, हे भगवान, ये लड़के, यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारा दो हाथ है, टू लेग्स, तुम्हारे दो पैर हैं, तुम्हारे दो आंखें हैं, तुम्हारे दो कान हैं, यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, और तुम एक जुबान भी, तुमको एक जुबान भी मिला हुआ है, एंड अ ब्रेन, और दिमाग भी मिला हुआ है, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम आगे बढ़ सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, और जैसे लोग और दूसरे लोगों की तरह जिस तरह से उन लोग काम करते हैं तुम भी वैसा ही बढ़ सकते हो। एंड इफ यू चूज, अगर तुम मतलब सही निर्णय लेते हो, सही डिसीजन लेते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और उस पर अमल करते हो, अपना दिमाग उस पर लगाते हो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो तुम उससे भी और भी जो बाकी लोग हैं ना उससे भी तुम आगे निकल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। How? कैसे? Mr. Lion, same way as I do, तो बोलता है उसी तरह से जैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ फिर टॉपिक चेंज हो जाता है, यहाँ पर है ना, ये जो डेरी है टॉपिक बदल देता है, क्योंकि उसको समझ में तो आ रहा है लेकिन वो अपने मन में जो घृणा है, अपने आप से घृणा है, और इसीलिए उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ टॉपिक बदल देता है, डेरी बोलता है Do you have any friends? तो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है, ये भी मतलब आउट ऑफ क्यूरियसिटी, उत्सुकता बस पूछ लेता है कि तुम्हारे पास क्या कोई दोस्त लोग हैं। मिस्टर लैम बोलता है हंड्रेड्स, हाँ सैकड़ों में है। हैरी, बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, दैट्स अ बिग हाउस टू, लेकिन तुम तो खुद से उस घर में रहते हो, और ये भी बहुत बड़ा घर भी है, एक बहुत बड़ा घर भी है, और तुम खुद अकेले उस घर में रहते हो, बोलता है मिस्टर लैम। फ्रेंड्स एवरीवेयर, तो बोलता है कि जो भी दोस्त लोग हैं सभी जगह हैं, बोलता है पीपल कम इन, एवरीबॉडी नोस मी, तो लोग यहाँ पर आते हैं और सब कोई मुझको जानते हैं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, तो बोलता है कि जो फाटक है हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वे यहाँ आते हैं, यहाँ बैठते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और ठंड के दिनों में तो आग के पास भी उन लोग आकर के बैठ जाते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोग सेव के लिए आते हैं, एंड पियर्स, पियर्स का अर्थ होता है नस्पत्ति के लिए आते हैं, क्योंकि उसके बगीचे में सेव का है, और नस्पत्ति का भी बगीचा हो सकता है, और भी दूसरे फलों का बगीचा हो सकता है। एंड फॉर टॉफी, और क्या के लिए आते हैं, चॉकलेट के लिए आते हैं। आई मेक टॉफी विथ हनी, तो बोल रहा है कि मैं जो है शहद से क्या बनाता हूँ, चॉकलेट बनाता हूँ, मिठाई बनाता हूँ। एनीबॉडी कम्स, कोई भी यहाँ आ जाता है, सो हैव यू, और उसी तरह से तुम भी यहाँ आए हुए हो। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, तो डेरी बोलता है लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। लायन, सर्टेनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, तो बोलता है कि निश्चित रूप से तुम मेरे दोस्त हो, जहां तक मेरे बात मेरा तो मैं विश्वास करता हूँ। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरी बात है या तो जहां तक मैं सोचता हूँ, तुम निश्चय ही मेरे दोस्त हो। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, बोलता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि मैं सोचने में मजबूर हो जाऊं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। लैम बोलता है, डेरी, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और इवन व्हाट माय नेम इज। डेरी बोलता है कि तुम तो मेरे को नहीं जानते हो, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और तुम ये भी नहीं जानते हो कि मैं कहाँ से आता हूँ, और इवन व्हाट माय नेम इज, और यहाँ तक कि मेरा नाम भी तुमको पता नहीं है। मिस्टर लैम, Why should that signify? तो उसका क्या महत्व है, नाम का क्या महत्व है? Do I have to write all your particulars down? क्या मेरे को उन सभी चीजों का एक एक करके लिखना पड़ेगा क्या? तुम्हारा नाम, तुम्हारा पिताजी का नाम, तुम्हारा गांव, तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, तुम्हारा एज, सबको हमको लिखना पड़ेगा क्या? And put them in a filing box. और क्या मैं उन सबको मतलब एक फाइल में जमा करके रख दूं क्या? तुमसे दोस्ती करने से पहले, मतलब बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, मतलब इससे पहले कि तुम मेरा दोस्त बन जाओ, क्या हमको इस तरह की चीजों को करना पड़ेगा क्या? बोलता है मिस्टर लैम। डेरी, आई सपोज नॉट, नो, तो बोलता है डेरी, नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डिडंट। तो मिस्टर लैम बोलता है कि तुम अपना नाम बता सकते हो अगर तुमको ऐसा लगता है, और तुम अगर चाहो तो, एंड नॉट, और नहीं भी बता सकते हो अगर तुम बताना नहीं चाहते हो। तुम डेरी, तो डेरी अपना नाम बता रहा है। डेरी, ओनली इट्स डेरेक,
बट आई हेट दैट, बोलता है डेरी है लेकिन मतलब मेरा वास्तविक नाम तो डेरेक है लेकिन इस नाम से हमको बहुत अधिक क्या है घृणा है, हेट दैट मतलब वो नाम हमको पसंद नहीं है, डेरी उसका नाम क्या है डेरी बोलो बोलता है। इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। तो आगे बोल रहा है अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम मेरे दोस्त हो ये जरूरी नहीं है और मैं ऐसा मतलब चूज करता हूँ, बोल रहे हैं। मिस्टर लैम सर्टनली, तुम निस्संदेह। डेरी आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन। तो बोल रहा है हो सकता है कि मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊं और तुम मेरे को दोबारा यहाँ कभी भी ना देखो। एंड देन और तब आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, और तब मैं तुम्हारा दोस्त तब भी नहीं हो सकता हूँ, बोल रहा है मिस्टर लैम। व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकते हो, बोल रहा है मिस्टर लैम। डेरी हाउ कुड आई, कैसे मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट हैव एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, तो हो सकता है कि आप गली में से बहुत सारे लोगों को मिलते होंगे, है ना, जब आप गली में जा रहे होते होंगे तो आप बहुत सारे लोगों को मिलते होंगे। एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, और यहाँ तक कि आप उनमें से तो कुछ लोगों से बातें भी करते होंगे। बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन तुम उनको दोबारा नहीं देखते हो। इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि वे तुम्हारे क्या है दोस्त हैं। नेक्स्ट विल सी मिस्टर लैम, मिस्टर लैम बोलता है डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट, इसका अर्थ तो ये भी नहीं होता है कि वे मेरे दुश्मन हैं, क्या वे मेरे दुश्मन हैं। डेरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, तो यहाँ डेरी जवाब देता है नहीं वे तो केवल कुछ भी नहीं है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, केवल उन लोग क्या है पीपल है, उन लोग केवल लोग हैं, दैट्स ऑल, उतना ही बोलता है मिस्टर लैम। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, बोलता है कि लोग कभी नथिंग नहीं होते, उन लोग कभी नहीं होते हैं ना, उन लोग जो है कभी उनके पास कुछ नहीं होता है, नेवर कभी नहीं। तो यहाँ जो मिस्टर लैम है वो मतलब लोगों के महत्व के बारे में बताना चाह रहे हैं, लोगों को हम लोग उन लोग केवल कुछ नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी खूबियां होती हैं, गुण होता है, उनके अलग अलग योग्यता होता है, क्षमता होता है, बहुत सारा चीज उनमें होता है, और इसलिए हम लोग वे लोग कुछ नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मतलब यहाँ लोगों की महत्व के बारे में, उनकी अहमियत के बारे में यहाँ मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं। डेरी देयर आर सम पीपल आई हेट, तो डेरी बोलता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मैं क्या करता हूँ घृणा करता हूँ, हेट मतलब घृणा करना। मिस्टर लैम दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोतल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो यहाँ पर मिस्टर लैम बोल रहे हैं अगर तुम घृणा करते हो वो तुमको और अधिक हानि पहुंचाएगा, दैट वुड डू यू मोर हार्म मतलब और अधिक हानि पहुंचाएगा देन एनी बोतल ऑफ एसिड, उस बोतल के एसिड से भी अधिक तुमको हानि पहुंचाएगा। एसिड से तो केवल तुम्हारा चेहरा जला है, एसिड से तो तुम्हारा केवल चेहरा जला है, लेकिन जो अगर तुम तुम्हारे मन में घृणा है तो वह तुमको अंदर ही अंदर तुमको और अधिक क्या कर देगा जला देगा। एसिड से क्या तुम्हारा तुमको बाहरी चोट केवल लगा है, केवल बाहरी दर्द हुआ है, लेकिन तुम जो घृणा है वो तुमको अंदर ही अंदर जला के खोखला कर देगा और तुम इससे ऊपर नहीं पाओगे, तुमको हमेशा के लिए जला देगा, बोलता है डेरी। ओनली बोलता है मतलब केवल मेरा चेहरा को, बोलता है मिस्टर लैम लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माय लेग, तो बोलता है जिस तरह से जो बॉम्ब है मेरा उससे मेरा केवल एक पैर उड़ा दिया, एक पैर कट गया मेरा। देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, लेकिन इससे भी बदतर चीजें हो सकती हैं तुम्हारे साथ, वर्स वर्स का अर्थ है बदतर चीजें तुम्हारे साथ हो सकती है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड, तुम अंदर ही अंदर तुम उससे क्या हो सकते हो जल सकते हो, क्या से घृणा से। तो यहाँ पर ये चीजों से मतलब स्पष्ट मिस्टर लैम यही बताना चाह रहे हैं कि घृणा घृणा मतलब घृणा जो है तुमको खोखला कर देगा, मतलब प्यार ही मतलब सभी चीजों का, जितने भी बीमारी है जो भी मतलब मानसिक रूप से हम बीमार होते हैं उनका समाधान मतलब प्यार से ही जीता जा सकता है, प्यार से ही मतलब सब कुछ ठीक हो जा सकता है। तो तुम बोल रहे हो लव ऑल मैनकाइंड, मतलब सभी आदमियों से तुम प्यार करो, किसी से घृणा मत करो। हेट्रेड इज अननेचुरल एंड इंजीरियस टू ह्यूमन काइंड, तो ये घृणा जो है मतलब एक तरह से क्या है अननेचुरल है और ये क्या है इंजूरियस है, घातक है। किसके लिए घातक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी घातक है और आदमियों के लिए भी घातक है। जिस तरह से लिखा हुआ होता है सिगरेट का पैकेट में लिखा होता है, बड़ा बड़ा कैंसर का उसने फोटो दिया होता है, और इसी तरह से जो
दारू का बोतल है उसमें ऊपर भी लिखा लिखा हुआ होता है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, इसमें स्पष्ट लिखा होता है। इसी इसी तरह से ये जो घृणा है वो भी क्या है, इंजूरियस है, घातक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो इसको इन शब्दों से हम इन परिच्छेद से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। डेरी आगे बोलता है, डेरी आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर। तो ये उस समय की बात है जब टेरी जो है वो जल गया था और हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जा रहा था, और उसके बाद वो जब घर आ जाता है, वन पर्सन सेड, तो किसी व्यक्ति ने कहा ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, तो इसको तो वहीं रुक जाना अच्छा होता, कहाँ हॉस्पिटल में उसको रुक जाना अच्छा होता, क्यों, ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, इसको वहीं रहना अच्छा होता क्योंकि वहां और भी लोग क्या है, जले हुए लोग हैं और उनके बीच में ही इनको रहना अच्छा होता, ऐसा किसी ने उससे कहा, इस बात को टेरी ने सुन लिया था। सी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज। तो सी कोई भी होगी वहां हॉस्पिटल में की महिला ने बोला था होगा कि वो सोचती है कि अंधे लोगों को दूसरे अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए और जितने भी जो मूर्ख हैं, मूर्ख लड़के हैं, उनको दूसरे मूर्ख लड़कों के साथ ही रहना चाहिए, ऐसा वो अपना विचार रखती रखी है। वो इस बात को यहाँ बताता है किसको, मिस्टर लैम को। मिस्टर लैम वहां आगे बोलते हैं एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टूगेदर, तो यहाँ पर मिस्टर लैम अपने बारे में भी जोड़ देते हैं, और जिनका पैर नहीं है उनको एक साथ रख देना चाहिए, बोलता है डेरी। दैट्स राइट, हाँ वो तो सही बात है, बोलता है डेरी। मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, तो किस तरह का वो दुनिया होगा सोचो, मतलब जहां पर अंधे लोग एक साथ रहेंगे, लंगड़े केवल वहां लंगड़े केवल रहेंगे और बहरे लोग केवल वहां एक साथ रहेंगे, तो वो दुनिया किस तरह का दुनिया होगा सोचो, बोलता है। तो ये तो उनके लिए और भी मतलब एक मतलब क्या हानिकारक होगा, मोर हार्म देन गुड, उनसे जो अच्छा हो सकता था उनका तो वहां पर बुरा ही होगा, क्योंकि हैंडीकैप पीपल वहां पर और भी क्या होंगे, उन लोग दयनीय स्थिति में होंगे और उनको दुख होगा क्योंकि वहां उनको प्रोत्साहन देने वाला, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा, और उन लोग कैसे मतलब जिंदगी के मतलब समाज से उन लोग कट जाएंगे, समाज से उन लोग अलग थलग पड़ जाएंगे, समाज से कट जाएंगे, और जब उन लोग समाज से कट जाएंगे तो उन लोग कौन, उनको कौन मोटिवेशन देगा, उनको कौन प्रेरणा देगा, उन लोग चीजों को कैसे सीखेंगे और कैसे बढ़ेंगे, मतलब उनका जिंदगी वहां और भी मिजरेबल हो जाएगा। तो वो जो दुनिया होगा वो तो क्या हो सकता है, एक नरक ही हो सकता है जहां इस तरह के लोग मतलब जीवन यापन करेंगे। टेरी एटलीस्ट देर वुड नो बॉडी टू स्टेर एट यू बिकॉज यू वेरेंट लाइक देम, तो डेरी बोलता है कम से कम वहां कोई नहीं होगा जो तुम पर क्या करेगा, तुमको घूरेगा, बिकॉज यू वेरेंट लाइक देम, क्योंकि तुम उनके समान नहीं होगे, मतलब मतलब जो लोग घूरेंगे वहां उनके समान आप नहीं होंगे, तो वहां तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि वहां पर घूर रहा होगा। मिस्टर लैम सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न्ड फेसेस, तो तुम ऐसा सोचते हो कि तुम जितने भी जले हुए लोग हैं उन्हीं जले हुए लोगों की तरह ही तुम हो, उनके जले हुए लोगों की तरह ही तुम हो, ऐसा सोचते हो, मिस्टर लैम बोलता है डेरी को, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, जैसा कि तुम बाहरी रूप से दिखाई देते हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और तुम बाकी लोगों के साथ तुम रख दिए तो तुम उनके समान ही हो सोचते हो। एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो बोलता है सब चीज अलग है, एवरीथिंग द सेम, और सब चीज समान होते हुए भी सब चीज क्या है, अलग है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, मतलब समान होते हुए भी क्या है, सब चीज अलग है, इन इट सेल्फ मतलब अपने आप में अलग है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि भगवान के नजरों में हम सब क्या है, एक है, बाहरी रूप रंग से हम सब मानव हैं, सब एक है, हमारा नाक मुंह कान है इस तरह से, और हमारा मतलब हम सब के ऊपर क्या है, एक फीलिंग है, एक भावना होती है, हमारा चाह होता है, आकांक्षा होता है, हमारी एस्पिरेशन होता है, और इन सब के बावजूद भी हम में क्या है, हम एक यूनिक इंडिविजुअल है, हम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरों से हमको अलग करती हैं, तो जो है हमारी क्या है, खूबियां है, हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है, बाहरी रूप से तो हम समान दिखते हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी चीज है जो दूसरों से हमको क्या करती है, अलग करती है। तो इसी बात को यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है मिस्टर लैम, और इसलिए तुमको उस तरह का सोचना नहीं चाहिए, मतलब सब बाहरी रूप से सब समान दिखते हैं लेकिन अंदर में उनके जो प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, वो सभी उनको क्या करती है, अलग करती है। यहाँ यहाँ तक कि जुड़वा जुड़वा लोग भी होते हैं,
उन लोग हम शक्ल एक ही जैसे दिखाई देते हैं शक्ल से तो, लेकिन उनका जो रुचि होता है, उनका जो क्षमता होता है, योग्यता होता है, वो बिल्कुल एक दूसरे से मतलब अलग होता है। तो यही बात यहाँ कही गई है। हाउ डू यू, यहाँ डेरी बोल रहा है, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तो आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचते हैं, या तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, बोलता है मिस्टर लैम, वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, तो बोलता है कि मैं देख करके, सुन करके और सोच करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, बोलता है डेरी। आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, तो बोल रहा है कि मेरे को ऐसे चीजें पसंद है, अ गार्डन, एक बगान हमको पसंद है। आई वुड लाइक अ हाउस, और मेरे को एक ऐसा घर पसंद है विथ नो कर्टन्स, जिसमें कि कोई भी क्या ना हो, पर्दा ना हो, तो मेरे को इस तरह की चीजें पसंद है। तो देखो बहुत सारे, इससे पहले तक तो हम क्या कर रहा था, मतलब वो पसंद नहीं कर रहा था, लोगों से नफरत करता था, लेकिन यहाँ सेकेंड टाइम उसके मन में कुछ पॉजिटिव चीजें हम लोग देखते हैं। इससे पहले भी बोल रहा था कि जब पानी गिरता है तो पानी के गिरने का उसको बहुत अच्छा लगता है, तो किसी भी चीज को अप्रिसिएट नहीं करता था, प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को पसंद करना शुरू कर रहा है, कुछ पॉजिटिव बातें उनके मन में आ रही है। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन, तो बोल रहा है कि फाटक हमेशा खुला रहता है। डेरी, बट दिस इजंट माइन, तो डेरी बोलता है लेकिन ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग्स योर्स इफ यू वांट इट, सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहो तो, व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज, तो बोलता है जो मेरा है वो किसी का भी है। तो यहाँ पर इस इन शब्दों से, इन वाक्यों से मिस्टर लैम यही बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बातें बताना चाह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर मतलब सबका हक है, सबका अधिकार है। ये पृथ्वी किसी एक व्यक्ति का मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पृथ्वी मेरा भी है, आपका भी है, सबका है, ये देश सबका है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको। और उसमें मतलब जो चीज मेरा है वो आपका भी है, मतलब सभी का है, उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसलिए इस बात में इस तरह ये सारी चीजें मिस्टर लैम कह देते हैं। डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं क्या यहाँ दोबारा आ सकता हूँ, इवन इफ यू वेर आउट, अगर आप यहाँ पर नहीं रहते हैं या आप बाहर में रहते हैं तो भी मैं आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर लैम। सर्टनली, निसंदेह तुम आ सकते हो, यू माइट फाइंड अदर्स हियर, तो अगर मैं बाहर होता हूँ तो तुम यहाँ दूसरे लोगों को तुम यहाँ पा सकते हो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बोल रहे हैं डेरी। ओ, तो डेरी बोलता है ओ ठीक है। मिस्टर लैम, वेल, तो बोलता है ठीक है, दैट नीडंट स्टॉप यू, तो अगर दूसरे लोग होंगे तो उससे उससे तुमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम आ सकते हो, यू नीडंट माइंड, और उसको तुमको कोई भी आपत्ति उनसे नहीं होना चाहिए। डेरी, इट वुड स्टॉप देम, तो बोलता है कि उन लोग को मैं स्टॉप नहीं करूंगा, लेकिन इट वुड स्टॉप देम, इट वुड स्टॉप देम मतलब अगर मैं यहाँ आ गया तो उन लोग यहाँ आना बंद कर देंगे, बोलता है दे वुड माइंड मी, उन लोग अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो उनको मेरे आने से उनको आपत्ति होगी, वे परेशान होंगे। When they saw me here, अगर वे मेरे को यहाँ देखते हैं, they look at my face and run, वे मेरे चेहरे को देख करके उन लोग भाग जाएंगे। Mr. Lam, they might not, तो बोलता है कि वो हो सकता है उन लोग भाग जाएं, और ये भी हो सकता है कि उन लोग नहीं भागे। You would have to take the risk, so would they, तो तुमको जोखिम लेना पड़ेगा, risk, risk का अर्थ है जोखिम लेना पड़ेगा, so would they, और उनको भी जोखिम लेना पड़ेगा। Derry, no, you would, बोलता है नहीं मेरे को जोखिम लेना नहीं पड़ेगा, आपको जोखिम लेना पड़ेगा, बोल रहा है। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तो बोल रहा है अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो तुम तुम्हारे जो सारे दोस्त हैं उनको खो दोगे। बिकॉज, क्योंकि नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे नजदीक में खड़ा खड़ा रहना या तो मेरे नजदीक में आना पसंद नहीं करते हैं। इफ दे कैन हेल्प इट, अगर उनका बस चले तो, अगर उनका बस चले तो कोई भी मेरे नजदीक आना नहीं चाहते हैं। मिस्टर लैम, I have not moved, लेकिन मैं तो नहीं डरा हूँ, मैं तो विचलित नहीं हुआ हूँ, बोलता है डेरी, बोलता है नो, आप विचलित नहीं हुए। मिस्टर लैम, When I go down the street, the kids shout Lemmy Lam, बोलता है जब मैं नीचे गली में जाता हूँ, छोटे बच्चे मेरे को लंगड़ा लैम बोल के चिल्लाते हैं। But they still come into the garden, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोग मेरे बगीचे में आते हैं, into my house, मेरे घर में आते हैं। It's a game, ये एक तरह से क्या है, खेल है। They are not afraid of me, उन लोग मेरे से नहीं डरते हैं। Why should they be, और उनको डरना भी क्यों चाहिए? Because I am not afraid of them, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ। That's why not, और इसलिए ये लोग भी मुझसे नहीं डरते हैं। Derry, did you get your leg blown off in the war?
यहाँ पर गिरी जो है वो अपने उसके पैरों के बारे में पूछता है, क्या तुम्हारा पैर जो कट गए हैं या क्या युद्ध में कट गए हैं? बोल रहा है वार, मतलब क्या लड़ाई में ये पैर कट गए? मिस्टर लायन सर्टेनली, तो बोलता है हाँ निश्चित रूप से लड़ाई में ये पैर कट गए। मेरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्राई एप्पल्स डाउन देन? तो बोल रहा है कि कैसे तुम जब तुम कैसे तुम फिर सीढ़ी में चढ़ोगे? लैडर, लैडर का अर्थ होता है सीढ़ी में, तो तुम कैसे सीढ़ी चढ़ोगे और उन जो खट्टे सेव है उनको कैसे तुम तोड़ोगे? पूछ रहा है मिस्टर लैम। ओ देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मिस्टर लैम बोलता है कि वहां बहुत सारे चीजें हैं, आई हैव लर्न टू डू, जिसको मैंने सीख लिया है, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए मैंने बहुत समय दिया है, प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट मतलब इस सीखने के लिए बहुत सारे समय मैंने दिया है, मतलब वर्षों गुजार दिए, ईयर्स मतलब कई साल मैंने गुजार दिए, आई टेक इट स्टेडी, मैं इसको धीरे से मतलब लेता हूँ, धीरे से मैं करता हूँ, बोलता है। डेरी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, मान लो तुम गिर जाते हो, इफ यू फेल मतलब तुम गिर जाते हो और तुम गर्दन तुड़वा लेते हो, ब्रोक मतलब तुड़वा लेना, यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम जमीन पर गिर जाओगे, घास पर गिर जाओगे, एंड डाई और तुम मर जाओगे, इफ यू वेयर ऑन योर ओन, अगर तुम अपने से ये सभी चीजें करोगे, अपने से इस मतलब खट्टे सेव को तोड़ोगे तो तुम गिर जाओगे और गिर के मर जाओगे, बोलता है मिस्टर लैम। आई कुड, हो सकता है मैं मर जाऊं। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तो डेरी बोल रहा है तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ यू वांट टू, तो मिस्टर लैम बोलते हैं अगर तुम चाहो तो। डेरी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेर आई एम, लेकिन डेरी बोलता है लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ पर हूँ। इट्स थ्री माइल्स होम अक्रॉस द फील्ड्स, वो अपने घर के बारे में बता रहा है, यहाँ से मेरा घर की दूरी 3 मील है उस खेत से उस पार। आई एम 14, मैं 14 साल का हो गया हूँ, बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेर आई एम, लेकिन वे अभी भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, तो बोलता है कि मिस्टर लैम बोलता है लोगों को चिंता होती है। डेरी, पीपल फस, बोलता है लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं, बोलता है फस करते हैं हंगामा खड़ा कर देना या तो बात का बतंगड़ बना देते। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, तो मिस्टर लैम बोलते हैं ठीक है तुम वापस जाओ और उनको बता दो कि तुम कहाँ पर हो। डेरी, इट्स 3 माइल्स, तो डेरी बोलता है कि लेकिन ये तो 3 मील दूर है, बोलता है मिस्टर लैम। इट्स अ फाइन इवनिंग, You have got legs, तो बोलता है बहुत ही सुहावना शाम है, fine evening मतलब बहुत सुहानी शाम है और तुम्हारे तो पैर भी हैं, बोलता है। Dairy, once I got home, they would never let me come back, तो Dairy बोलता है एक बार अगर मैं घर चला गया ना तो हमको कभी नहीं आने देंगे, बोलता है मिस्टर लैम। Once you got home, अगर तुम एक बार घर चले जाओगे, you would never let yourself come, अगर तुम एक बार घर चले जाओगे तो तुम अपने आप को यहाँ नहीं आने दोगे, बोलता है। यहाँ मिस्टर लैम ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, उसके मुंह पे बोला है, मतलब जब कहते हैं कि ना लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, तो यहाँ मतलब सीधे बोल दिया कि तुम आना नहीं चाहते हो, बोल दिए, तो मतलब उसके लिए क्या हो गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसके लिए, डेरी के लिए। तो हम आगे की पंक्तियों में समझ पाएंगे क्या चैलेंज है। डेरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तो देखो उसका जो भाषा शैली बदल गया है, बोल रहा है कि तुम नहीं जानते हो व्हाट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम बहुत ही ठंडे दिमाग से बोलते हैं, नो ओनली यू नो इट, नो दैट, नहीं तुम केवल उसको जानते हो। डेरी, इफ आई सोज बोलता है, अगर मैं सुन लिया तो, अगर मैं ऐसा कर दिया तो, बोलता है मिस्टर लैम। आ इफ यू सोज, अगर तुम कर सकते हो, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, यू कांट टेल यू व्हाट टू डू, बोलता है कि इफ यू सोज, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ सब कुछ लड़के, I can't tell you, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ what to do, क्या करना है, मैं तुमको सब चीज बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेरी के बातों से लगता है तो उसका डेरी का पूरा जीवन क्या हो रहा है, बदल रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव से वो गुजर रहा है। अभी तक अपने मन में जो घृणा था, वो डरता था, वो सबसे मतलब इस तरह का मतलब साइलेंस कर रहा है कि तुम बता सकते हो, मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जानते हो, इस तरह का मतलब जवाब दे रहा है, मतलब उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और यही चीज मिस्टर लैम भी चाहता था। और जिंदगी तो क्या है, हम लोग जो बनाते हैं वही जिंदगी है, जैसे कि लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, मतलब जिंदगी हम पर निर्भर करता है,
हम उसको कैसा जीते हैं या तो हम उसको कैसे बनाते हैं हम पर निर्भर करता है। तो हम आगे देखते हैं, डेरी दे टेल मी, तो बोलता है कि वे मुझको बताते हैं, वे मुझको बताते हैं मतलब उनके माता पिता के बारे में बोल रहा है मिस्टर लैम। डू यू हैव टू अग्री, तो बोल रहा है अगर तुम उनको उन लोग बताते हैं तो सब बातों का क्या तुमको सहमत होना है। बोल रहा है डेरी आई डोंट नो व्हाट आई वांट, तो डेरी बोल रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। I want something no one else has got or ever will have. तो बोलता है कि मैं ऐसी चीजें चाहता हूँ जो कभी नहीं पाया हो और ना ही उसको कभी मिलेगा, उस तरह का चीज चाहता हूँ। Something just mine, वो सब क्या हो, मेरा हो। Like this garden, इस बगान की तरह, इस बगीचे की तरह। I don't know what it is, और मैं नहीं जानता हूँ वो क्या चीज है। मैं कुछ ऐसा चीज पसंद करता हूँ लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो चीज क्या है। मिस्टर लैम यू कुड फाइंड आउट, तो बोलता है कि तुम उसको ढूंढ लो। डेरी हाउ, कैसे ढूंढ लो। मिस्टर लैम वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग सिटिंग हियर और गोइंग देयर आई विल हैव टू सी टू द बीस, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि इंतजार करो, देखो, सुनो, बैठो और यहाँ वहां जा करके, मतलब तुम प्रकृति का, दुनिया का जो आनंद है, दुनिया में जितने भी प्राकृतिक सुंदरता है उन सब चीजों में तुम ढूंढो। इस तरह का उसको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, आई विल हैव टू सी टू द बीस, और इतना बोल करके बोलते हैं कि हमको मधुमक्खी को देखना है। उनको पता है कि उसके मन में किस तरह का हलचल चल रहा है, इसलिए उन लोग बोल रहे हैं कि हमको मधुमक्खी को देखना है। डेरी दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, तो पूछ रहा है वे सभी लोग जो यहाँ पर आते हैं क्या वे आपसे बातें करते हैं, पूछ रहा है। Ask you things, क्या वे चीजों के बारे में पूछते हैं आपसे। Some do, some don't, तो बोलता है कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं। I ask them, तो बोलता है मैं उनसे पूछता हूँ। I like to learn, क्योंकि हमको उनसे बहुत कुछ सीखना है इसलिए मैं उनसे पूछता हूँ, बोल रहा है। डेरी आई डोंट बिलीव इन देम, तो डेरी बोल रहा है मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। I don't think anybody ever comes. तो बोल रहा है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है। You are here all by yourself. तुम यहाँ पर अकेले हो and miserable और बहुत ही दयनीय स्थिति में हो। And no one would know और कोई भी नहीं जानेंगे if you were alive or dead कि आप जिंदा भी हो या मर गए हो। And anybody cares और कोई भी आपकी इसको आपका परवाह नहीं करता है, बोल रहा है। मतलब उसको मतलब संदेह हो गया है कि उसके कोई दोस्त भी है, है ना। तो विश्व मतलब इस तरह का प्रश्न करता है डेरी। मिस्टर लैम यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तो बोल रहा है तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा ही सोचो, है ना, जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसा ही सोचो, बोला डेरी। ऑल राइट देन, तो बोल रहा है ठीक है तब, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, तो ठीक है तुम मेरे सैकड़ों दोस्त हैं बोलते हो उनका नाम तो बताओ, बोल रहे हैं। मिस्टर लैम व्हाट आर नेम्स, तो नाम में क्या रखा है, बोलता है टॉम डिक और हैरी। टॉम डिक और हैरी मतलब ये क्या है, मुहावरा है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है लेकिन ये क्या है, मुहावरा है। मतलब ये क्या करता है, रिफर्स टू ऑर्डिनरी पीपल इन जनरल, मतलब साधारण लोगों का वो क्या कर दिया, जनरल में मतलब साधारण लोग ही उसके पास आते हैं, पार्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, एक मुहावरा है यहाँ पर। तो गेटिंग अप, अभी वो उठ खड़ा होता है। मिस्टर लैम आई एम अप डाउन टू द बीज, तो बोल रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ कहाँ पर, मधुमक्खी के पास। डेरी आई थिंक यू आर डैफ्ट क्रेजी, डेरी बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ तुम क्या पागल हो, डेफ्टी क्रेजी एक सनकी हो, एक पागल हो, बोलता है मिस्टर लैम। दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, तो मिस्टर लैम बोलता है तो बहुत बढ़िया बहाना है, बोलता है। डेरी व्हाट फॉर यू डोंट टॉक सेंस, तो बोलता है कि क्या के लिए, क्योंकि तुम अच्छी बातें नहीं बोलते हो। सेंस मतलब अच्छी बातें नहीं बोलते हो, बहुत ही विचित्र बातें बोलते हो तुम, बोलता है मिस्टर लैम। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, तो सीधे सीधे बोल रहा है मिस्टर लैम कि एक बहुत अच्छा बहाना है क्योंकि तुम यहाँ वापस आना नहीं चाहते हो और इसलिए मेरे को पागल बोल रहे हो। एंड यू हैव गॉट अ बर्नड फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और तुम तो तुम्हारा चेहरा भी आधा जला हुआ है और वो दूसरे लोगों के लिए क्या है, वो दूसरे लोगों के लिए वो बहाना है, बोलता है। दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज मतलब वो दूसरे लोगों के लिए बहाना है। डेरी यू आर लाइक द अदर्स, तो बोलता है कि तुम दूसरे लोगों की तरह ही हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं वैसे ही तुम भी बोलते हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुमको मेरे इस जले हुए चेहरे के लिए कुछ भी दुख नहीं होता है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम उससे क्या करते हो, डरते हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम नहीं डरते हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेवल,
तो तुम अगर तुम नहीं डरते हो, तुम सोचते हो कि मैं क्या हूं, बहुत ही बदसूरत हूँ, अगली अगली का अर्थ है मैं बहुत बदसूरत हूँ, ऐसा डेवल शैतान की तरह, यहाँ आप शैतान की फोटो देख पा रहे हैं, आई एम अ डेवल, मैं क्या हूँ, शैतान हूँ, डोंट यू, क्या तुम ऐसे मेरे को बारे में नहीं सोचते हो, साउट्स, तभी वो बहुत अधिक चिल्ला रहा है। मिस्टर लायम डज नॉट रिप्लाई, तो मिस्टर लायम जो है उसको किसी भी तरह का उत्तर नहीं देते हैं, ही हैज गॉन टू हिज बीस, और अभी वो अपने मधुमक्खी के पास चला गया है, डेरी क्वाइटली, अभी चुपचाप से अपने आप से बात कर रहा है, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, बोल रहा है नहीं तुम वैसे आदमी नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम सनकी नहीं हो, और मैं यहाँ रहना पसंद करता हूँ, बोल रहा है, पोज, थोड़ा देर रुक जाता है, डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, और वह उठ खड़ा होता है और चीखता है, शाउट्स, चीखता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक, तो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा, यू सी, तुम देखना, यू वेट, मेरा इंतजार करना, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, तो बोल रहा है तुम्हारे जैसे मेरा टिन का पैर नहीं है, आई विल बी बैक, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, एक तरह से वो मजाक उड़ा रहा है किसका, मिस्टर लैम का, मतलब सही मुद्दे में, सही तरीके से, मतलब उसको फूल नहीं कर रहा है, मतलब क्योंकि वो उसके पास आना चाहता है लेकिन वो अभी घर जा रहा है, टेरी रन्स ऑफ, टेरी जो है दौड़ दौड़ते हुए चला जाता है और वहां पूरा सन्नाटा सा जाता है, द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और यहाँ जो बगान में जो आवाज आ रहा था पक्षियों की चहचहाने की आवाज, वह फिर से सुनाई देने लगती है। यहाँ पर देखते हैं मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम खुद से बोलता है, डियर मेडियर्स, तो बोलता है यहाँ देखो मेरे प्रियो, दैट्स यू सीन इट, दैट्स हैज यू सीन इट, मतलब आपने देखा, आह यू नो, तुम जानते हो या आप जानते हो, वी ऑल नो, हम लोग सब लोग जानते हैं, आई विल कम बैक, कि मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा, दे नेवर डू, तो मतलब सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा, लेकिन कोई वापस नहीं आता है, नॉट देम, उनमें से कोई भी वापस नहीं आता है, नेवर डू कम बैक, कोई भी वापस नहीं आते हैं, द गार्डन नॉइस फेड, और जो बगान में जिस तरह का आवाज आ रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहाँ एक तो जानते हैं मिस्टर लैम का जिंदगी, मतलब वो बहुत लोनली है सही में, हकीकत में उसके भी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन किस तरह से वो मोटिवेट कर रहा है डेरी को, उसको अपने नफरत से और उसको डर से वो बाहर निकालना चाह रहा है, तो हम कितने अच्छी तरह से यहाँ पर उसको चित्रण किया हुआ हम देखते हैं, ये खुद भी अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं आते हैं, लेकिन कितना पॉजिटिव जिंदगी जी रहा है, सब चीज में वो मतलब सकारात्मक रूप देखता है, दुनिया की जितने भी चीजें हैं सब चीज में उनका सकारात्मक रूप देखता है और सब चीज की प्रशंसा करता है। तो यहाँ बहुत वीडियो लंबा हो चुका है, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो यहाँ हम आज क्लास को यहाँ अंत करते हैं, अगर आपको आज का पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा तो जरूर आप कमेंट कीजिए को और शेयर कीजिए दूसरों को भी, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब कभी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। थैंक यू।